हेलो स्टूडेंट, वी आर रीडिंग चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो इन प्रीवियस वीडियोस में हमने एक दो थ्योरम्स सॉल्व करना सीखा हमने, है ना। नाउ हियर यू सी सम मोर थ्योरम्स आर गिवन। सी 8.3, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसे भी ये थ्योरम हो गई आपकी, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस थ्योरम का ये कन्वर्स है, ठीक है। फिर 8.6 की जो दी हुई है आपको थ्योरम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स दिए हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है। फिर 8.7 दिया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। इसी का ये कन्वर्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा, है ना। तो ये सारे जो थ्योरम्स हैं आप लोग यहाँ पर, आपको यहाँ देखें ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो आप इनको क्या टू ट्राइंगल्स लेकर और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो फिर आपका ये थ्योरम जो है ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। एक और दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो इसमें भी वही चीज है कि इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है। सी, है ना, टू ट्राइंगल्स को लेकर इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की गई है बाय साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तब फिर ये आपको बता दिया गया है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यहाँ एंगल्स का आपका रेशियो दिया हुआ है तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, गिवन द रेशियो ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3:5:9:13। अब जब हम इन नंबर को रेशियो से हटाएंगे तो इनके साथ एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं और यहाँ से हमें रेशियो हटा देते हैं। ओके, सो लेट द एंगल्स आर 3x, 5x, 9x and 13x। सो वी नो sum of all four angles of a quadrilateral is 360 degree। ये हम जानते हैं कि four angles का जो sum होता है quadrilateral में वो 360 degree होता है। Okay, so let's count 30x = 360 degree। Then x = 360/30। 0 0 cancel, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, x = 12 degree। ओके, सो फर्स्ट एंगल इज 3x। सो इन प्लेस ऑफ 3 वी विल पुट वैल्यू ऑफ x। देन फर्स्ट एंगल इज 36 degree। सेकेंड एंगल 5x, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 12, 12 5 60 degree। थर्ड एंगल 9x, then 9 into 12 108 degree। एंड फोर्थ एंगल 13x, then 13 into 12 156 degree। ओके, दस the required angles of the quadrilateral are 36 degree, 60 degree, 108 degree and 156 degree. Okay, now question number 2, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that is a rectangle। अगर parallelogram के diagonals equal हैं तो हमें बताना है कि वो जो parallelogram है वो rectangle है। Okay, so let's try to solve। So according the question, at first we will draw a parallelogram and its diagonals। Okay, now देखें, ये हमें given है AC and DB are
AC and DB are two diagonals, okay, of a given parallelogram ABCD. Now, in triangle ABC and triangle DCB, ABC and DCB, ये दो ट्राइ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, इसको हम लेते हैं और यहां हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. ओके, सो हियर यू सी ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल डी सी, ये क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये तो इजी हो, वो इक्वल होंगे ही, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ये हम जानते हैं. नाउ ए सी इक्वल बी डी, ये हमें गिवन है, ए सी और बी डी गिवन है हमें, ठीक है, टू डायगोनल्स हैं ये, है ना, एंड बी सी इक्वल बी सी, ये क्या है, कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में, बी सी इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का कॉमन साइड है बी सी. ओके, ये ट्राइंगल ए सी एंड डी बी ये साइड ले लिए हमने, है ना, और ए बी डी सी जो है अपोजिट साइड है. सो हेयर यू सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी बी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. ओके, सो जब इनके साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल के, है ना, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी सी एंड डी सी बी, इट मींस ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे जब साइड्स इक्वल है, तो बाय सीपीसीटी ये इक्वल हुए. ओके, बट ट्राइंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल 180 डिग्री, डी सी बी एबीसी, ए बी सी एंड डी सी बी, ये दोनों क्या है, 180 डिग्री है, ठीक, ये है आपके इंटीरियर एंगल्स ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल आप पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्सल मीन्स दो पैरेलल लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस में फिर एक अगर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, ये जैसे ये पैरेलल लाइंस है, ये लाइन ड्रॉ की गई तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ट्रांसवर्सल में फिर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, तो इस तरीके से, तो ये तो हुए 180 डिग्री. सो एंगल ए बी सी एंगल डी सी बी दोनों कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, दोनों का सम है 180 डिग्री, तो एक एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, इट मींस एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी, ये क्या है आपके, अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों क्या होंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री. जब एंगल बी और एंगल सी हमें 90 डिग्री मिला है, तो एंगल ए और एंगल सी भी क्या होंगे, हमें एंगल बी मिला है 90 डिग्री, ये देखें आप यहां सी एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी 90 डिग्री, तो एंगल सी के इक्वल है एंगल ए और एंगल बी के इक्वल है एंगल डी, तो ये सब भी क्या कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, इट मींस जब 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है. ओके, इज अ रेक्टेंगल. सो रेस्ट क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू सॉल्व. ओके,